एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एग्रीगर को दिखाते हुए। एग्रीगर एक एलियन को अगवा करते लेकर जा रहा होता है, तभी वो एलियन को नीचे गिराता है और कहता है, तुम जितने भी कोशिश कर लो नतीजा तो एक ही होगा, तुम मजबूर होके हार जाओगे और तुम्हारे पावर मेरा होगा। और एग्रीगर एक स्विच को दबाता है जिसकी मदद से ऊपर से एक शिप नीचे आता है और एग्रीगर उस एलियन को बोलता है, तुम कुछ बेवकूफ मत करना, मैं तुम्हें टेलीपोर्ट करने वाला हूँ और टेलीपोर्ट करने के लिए तुम्हारी पावर एक्सेप्ट करना होगा। और इसी में वहाँ पर प्लम्बर भी आता है और एग्रीगर को कहते हैं, एग्रीगर तुम रुक जाओ, तुम्हारे आसपास हमने घेर चुके हैं। और एग्रीगर की शिप के आगे पीछे प्लम्बर्स की शिप में घेर लेते हैं और प्लम्बर कहता है, तुम चुपचाप अपने सिलेंडर कर दो, तुमने सोच भी कैसे लिया कि प्लम्बर को हमला करके तुम बच पाओगे, और इसमें तुम चुपचाप सिलेंडर कर दो। और इसमें एग्रीगर अपने हाथ ऊपर कर लेता है और एग्रीगर बोलता है, चुपचाप नहीं निकल रहा, और इसमें एक स्विच को दबाता है और उस स्विच के कारण से ऊपर से शिप से लेजर बीम्स प्रहार करते हैं जिससे प्लम्बर्स को सभी प्लम्बर्स मर जाते हैं। और एग्रीगर सटासट आ जाता है और उस एलियंस को उठाकर कहता है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और उसी में इस स्विच को दबा कर वहाँ से वो टेलीपोर्ट हो जाता है और उस टेलीपोर्ट होते हुए एक प्लम्बर्स ने देखता है और कहता है, तुम भाग नहीं सकते, और इसीलिए वो सरासर जाता है और अपनी टूटी हुई शिप पर घुस जाता है। और उसके बाद एग्रीगर वहाँ पर उस एलियंस को एक बक्से में कैद कर लेता है और मुस्कुराते हुए वहाँ पर कुर्सी में जा के बैठता है और अपनी गार्ड को बताता है, नजदीकी रास्ते में लेकर जाओ। और इसीलिए उसके गार्ड बताता है, हाइपर ड्राइव सेट कर लिया है। वहाँ पर वो प्लम्बर गुस्से में हो जाता है और कहता है, एग्रीगर तुम अब बच के नहीं जा पाओगे, और अपनी शिप की मदद से एग्रीगर की शिप पर हमला कर देता है जिसकी कारण से एग्रीगर की शिप की हाइपर ड्राइव वाला टूट जाता है जिसकी मदद से एग्रीगर हाइपर ड्राइव पर नहीं जा सका। और इसी में एग्रीगर कहता है, क्या हुआ, और वो उसकी गार्ड कहता है, हाइपर ड्राइव तोड़ लिया है, अब हम हाइपर ड्राइव करके जा नहीं सकते। और इसी में एग्रीगर कहता है, बस मुझे तुम यहाँ से निकालो, और इसी में उसकी गार्ड वहाँ से उसे लेकर जाता है। तो हमें सीन चेंज होता है और बेन टेनिसन गोइन और केविन को दिखाता है, और बेन को देखते हुए केविन और गोइन भी घूर रहे होते हैं। तभी बेन कहता है, ये आज की स्मूदी मुझे बहुत टेस्ट लगा, और इसी में गोइन कहती है, तुम ऐसे बकवास चीज को खा कैसे सकते हो, और इसी में बेन कहता है, ये बकवास नहीं है केविन, और केविन को देखते हुए बोलता है, और केविन भी उस बेन को देखते हुए कहता है और उसकी स्मूदी को फेंक देता है और कहता है, मैं स्ट्रॉबेरी मिल्क जी लेने जा रहा हूँ, तुम्हें चाहिए गोइन, और गोइन कहता है, हाँ मुझे भी चाहिए, और बेन कहता है, और बेन उसे खिंचाई करते हुए कहता है, केविन सब्जियाँ सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। और इसी में गोइन कहती है, क्या ये बकवास चीज भी अच्छी होती है, और कहते ये बच्चे वाली चीज है और बच्चे इसे पीते है, और केविन कहता है, हाँ ये बच्चे वाला चीज है और तुम बच्चे ही हो। और इसी में गोइन कहती है, क्या तुम्हें दूध की बोतल भी ले दूँ, और इसी में सभी लोग हंसते हैं और यहाँ पर मस्ती चल रहा होता है। तभी वहाँ पर बेंटेन को पसंद करने वाला फैन आ जाते हैं और कहते हैं, ये रहा बेंटेनिसन, हाँ ये बेंटेनिसन ये, और सभी लोग उसे फोटो खींचने के लिए बेंटेन के पास दौड़ के आते हैं। और गोइन जल्दी से कार में बैठती है और केविन को कहता है, केविन जल्दी से निकल लो, और बेन कहता है, ये मिल्क खत्म नहीं होने तक कोई यहाँ से नहीं जाएगा। और बेंटेनिसन अब अल्टीमेट ट्रिक यूज करते हुए बिग सिंह में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और बिग सिंह के ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो फिर से इसमें दबाता है और वो अल्टीमेट बिग सिल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद बिग सिल से वो थोड़ा सा चेंज होता है और वो ब्लू से रेड हो जाता है, और वो आते हुए फैंस की तरफ बढ़ते हुए वो फायर करता है, फैन के आगे पीछे फायर ही फायर चल रहा होता है, और वो कुछ ही टाइम के बाद वो आइस में बदल जाता है और आइस के एक दीवार बन जाता है, और वहाँ ठंड की मौसम शुरू होती है। और इसके बाद बेन टेनिसन अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और बेन टेनिसन खड़ा ही होता है, और उसके बाद गोइन कहती है, क्या हुआ बेन, और बेन मिल्सी को नीचे गिराते हुए कहता है, अब मस्ती के टाइम खत्म हो चुका है क्योंकि उसकी मिल्क शेक आइस में बदल चुका होता है। और उसी टाइम बेंटेन की अल्टीमेट आवाज करने लगता है जिसके बाद बेंटेनिसन एक्टिव करके देखता है कि ग्रैंपा की एक मैसेज आता है, और वहाँ पर गोइन आके कहती है, ग्रैंपा मैक्स हम सभी लोग यहाँ पर है, आपको कुछ प्रॉब्लम है, और इसी में ग्रैंपा मैक्स कहते हैं, हाँ एक प्रॉब्लम है, इसीलिए तो तुम्हें याद किया, और कल ही तो स्कूल भी है। और कुछ ही टाइम के बाद बेन टेनिसन गोइन केविन और वो बचा हुआ प्लम्बर और ग्रैंपा वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर एग्रीगर ने पहली बार उस एलियंस को अगवा किया था, जहाँ पर उस प्लम्बर ने एग्रीगर को शिप को दबा किया था। तो वहाँ पर आके कहते हैं, यहीं पर मैंने एग्रीगर को दबा किया और वहाँ से भाग गया। और इसी में केविन कहता है, हाँ इसके अनुसार एग्रीगर
एयरशिप ऊपर था और इसके कारण से एग्रीगर ने तुम्हें सभी लोगों को मार दिया। और केविन ऐसे ऐसे बातें कहता है जिसके सुनने के बाद सभी लोगों की मुख खुल जाता है और वो सभी लोग चकित भी हो जाता है। और जिसके बाद केविन कहता है क्या हुआ सभी लोगों को, और क्रेम्पर मैक्स कहते हैं तुम सबसे स्मार्ट हो, और ग्वेन भी कहती है मुझे पता नहीं था कि तुम इतने स्मार्ट हो, और वो बचा हुआ प्लमर कहता है मैंने उसके हाइपर ड्राइव को उड़ा दिया था, जिसके बाद वो यहाँ से कुछ ही दूर पर जा रहा होगा। और केविन कहता है हाँ हम उससे ढूंढ सकते हैं। और इसी में केविन, बेन, ग्वेन और वो बचा हुआ प्लम्बर और ग्रैंपा वहाँ से निकल जाते हैं और उसके बाद जा रहे होते हैं एरोप्लेन में बैठ के जा रहे होते हैं। तभी केविन कहता है अगर एग्रीगार की जहाज बिगड़ चुका है तो उसे रिपेयर करने के लिए उसे नीचे उतरना ही होगा। और इसमें ग्वेन कहती है केविन क्या तुम एक मिनट के लिए मेरे पास आओगे, तुम्हें कुछ काम है और तुम्हें कुछ पूछना भी है। और केविन कहता है ओके ग्वेन। और इसी में ग्वेन केविन को पीछे लेकर जाते हैं और ग्वेन कहती है केविन तुम इस केस में इतने ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो। और इसी में केविन कहता है कुछ तो नहीं बस ऐसा है, एग्रीगोर एक ऑस्मोसियन है जैसे मेरी तरह। और यहाँ पर एक बात रिवील होती है कि एग्रीगोर भी एक ऑस्मोसियन है जैसे केविन था। केविन जैसा भी किसी भी क्या भी पावर एब्जॉर्ब कर सकता है तो एग्रीगोर भी पावर एब्जॉर्ब कर सकता है। और उसी में केविन कहता है मुझे प्लमर की हर फर्स्ट पता है। और इसी में ग्वेन को एक किस देते हुए वहाँ से चले जाता है। और ग्रैंपा मैक्स कहते हैं तुम लोगों को दोनों को मैं ढूंढने के लिए आने वाला था। और बेन कहता है हम एग्रीगोर की शिप के नजदीक पहुंच रहे हैं। और वो सभी लोग शिप से नीचे उतरते हैं और वहां पर दौड़ के जाते हैं और कहते हैं सभी लोग साइलेंट। और इसी में बेन कहता है कुछ फायदा नहीं हमें आते हुए उन लोगों ने देख लिया होगा। और ग्वेन कहती है हम इनविजिबल मोड में थे। और केविन कहता है हाँ सच में उन सभी लोगों ने हमें देख लिया है। और वहाँ पर एग्रीगोर के लिए काम करने वाले वहाँ पर आ चुके होते हैं और वो बेन टेनिसन की टीम को हमला कर लेता है। और केविन पत्थर को एब्जॉर्ब करते हुए वो सारा एलियंस को एक के बाद एक सभी लोगों को पीटता है। और उसके बाद बेन टेनिसन लॉर्ड स्टार में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है मुझे जो चाहिए था वो मिल चुका है, अब तुम्हारा पूरे वक्त आ चुका है। और कहते हुए वो एक एलियंस को उठाता है और दो एलियंस के बीच में टक्कर कर देता है जिसके बाद दो एलियंस ही मर जाते हैं। और ग्वेन अपनी मेना पावर की मदद से उस एलियंस को मार रहे होती है और ग्रैंपा अपनी बंदूक से उस एलियंस को मार रहे होते हैं। तभी ग्रैंपा मैक्स कहते हैं ये सभी लोग हमारे वक्त जाया कर रहे हैं क्योंकि अब एग्रीगार अपनी शिप को ठीक कर रहा होगा। और इसी में बेन कहता है तो क्या बात है अब हम जल्दी से चलेंगे। और वो अपनी पावर यूज करते हुए आगे बढ़ता है और ग्वेन कहती है हमारे लिए रुको। और बेन जल्दी से सभी लोगों को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तभी वहां पर एक स्पेसिस देखता है और स्पेसिस में बेन चढ़ जाता है और उसके बाद नीचे से ग्रैंपा मैक्स कहते हैं रुक जाओ बेन वो एक जाल हो सकती है। और इसी में वो एरोप्लेन फट जाता है, बेन उस एरोप्लेन के अंदर था और उस एलियंस फट जाता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा धमाका हो जाता है। और उसके बाद ग्वेन कहती है बेन और इसी में ग्रैंपा मैक्स कहते हैं ओ नो। और लॉर्ड स्टार फटा हुआ टुकड़ा इधर उधर देखती है और ग्वेन देखती है उस लॉर्ड स्टार के टुकड़े एक आपस में जुड़ रहे हैं और वो कुछ टाइम के बाद जुड़ के बेन बन जाता है। और इसी में केविन कहता है क्या बेन तुम तो जिंदा हो। और इसी में बेन कहता है ये एक मैग्नेट है और एक मैग्नेट दो मैग्नेट के साथ जुड़ जाता है। और इसी में बेन कहता है अपने नॉर्मल फॉर्म में आने के बाद कहता है ग्रैंपा मैक्स ने कही हुई बातें सही था ये एक जाली था। और ग्वेन कहती है वो सभी लोगों के लिए जाल था जो इसे इन्वेस्टिगेशन के लिए आते थे। और ग्रैंपा मैक्स कहते हैं अगर ये एरोप्लेन यहाँ पर फट गया तो अब एग्रीगोर कहाँ पर है। उसके घर के अंदर एग्रीगोर घुस जाता है और एग्रीगोर वो एक चीज को ढूंढ रहा होता है और वो चीज उसे मिल भी जाता है और उसे कहता है इससे काम बन जाएगा। और एग्रीगोर अपनी गार्ड को बोलता है कि कैदी को यहाँ पर लेकर आओ और उसे यहाँ पर इंतजाम करो। और इसी में सीन चेंज होता है और हमें देखता है केविन और केविन बताता है कि एग्रीगोर के कुछ अता पता नहीं। और बेंटन कहता है ग्वेन और ग्वेन अपनी मेना पावर की यूज करती है पर उसे कुछ नहीं मिलता। और ग्वेन कहती है सॉरी बेन और बेन कहता है तुमने अच्छी कोशिश की है। और बेन कहता है अब कुछ तो रास्ता होगा जो एग्रीगोर को ढूंढ सके। और इसी में ग्रैंपा मैक्स अपनी कुर्सी में बैठ रहे होते हैं तभी वहाँ से उठ के कहते हैं बच्चों यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं। और उस शिप के बाहर एक एरोप्लेन दिखाई देती है और केविन उस शिप को देखते हुए कहता है शायद वो लोग हमें रुकने के लिए कह रहे हैं। और वहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें एक रूम में दिखाई देती है जहाँ पर एक कर्नल होते हैं जो आर्मी की सबसे हेड होते हैं और वो ग्रैंपा मैक्स से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं बहुत काफी दिनों के बाद मिल रहे कर्नल रोज। और इसमें बेन कहता है ग्रैंपा मैक्स आप तो सभी लोगों को जानते हैं। और कर्नल रोज कहते हैं जब से तुमने उस बॉम्ब को हमें लौटाया है उसके बाद सभी अजीबोगरीब को हमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए छोड़ा है।
और इसी के जवाब में केविन भी कहता है अजीब मामले, और इसके जवाब में कर्नल रोज कहते हैं एलियंस, मॉन्स्टर और वे लोग, ये तीन लोग मेरे लिस्ट में है, पर टाइम मशीन। कर्नल रोज टाइम मशीन के बारे में कुछ बताते हैं, और उसी के बाद वहाँ पर प्रोफेसर पैराडॉक्स भी आते हैं और कहते हैं कर्नल रोज, और प्रोफेसर को पैराडॉक्स को देखते हैं कर्नल रोज कहते हैं तुम यहाँ पर कैसे आ पोगे, उसी में गन निकाल रहे होते पर वहाँ पर गन नहीं होता, और प्रोफेसर पैराडॉक्स कहते हैं मैं आने से पहले तुम्हारे गन को मैंने निकाल लिया था, और प्रोफेसर पैराडॉक्स कहते हैं ये गन मुझे इतने से भी पसंद नहीं, और इसीलिए वो फेंक देते हैं, और बेन इसके जवाब में कहता है रिलैक्स करना जोन, ये एक टाइम ट्रैवल है, और प्रोफेसर पैराडॉक्स कहते हैं मैं हूँ प्रोफेसर पैराडॉक्स हेलो करके वो दोनों हाथ मिलाते हैं, और बेन प्रोफेसर पैराडॉक्स को तारीफ करते हुए कहता है इनने हमें बहुत सारे मदद की है, और गवेन कहती है बहुत ज्यादा मुश्किल मामले में, और प्रोफेसर पैराडॉक्स कहते हैं हाँ और इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ, और प्रोफेसर पैराडॉक्स कहते हैं एग्रीगोर एक एंट्रोपी बम यूज करना चाहता है जो मेरे पुराने टाइम का पावर पोर्टल था, और बेन कहता है आप इस वक्त में पीछे जाके सभी चीज को ठीक क्यों नहीं कर लेते, और इसी के जवाब में प्रोफेसर पैराडॉक्स कहते हैं ये सब कुछ आसान होता पर लेकिन ये सब मैं नहीं कर सकता, और ये भी बताते हैं कि मैं तुम्हारे हेल्प नहीं कर सकता, मेरे इससे भी बहुत महत्वपूर्ण भी और भी काम है, और प्रोफेसर पैराडॉक्स केविन को बताते हैं केविन तुम जरा जाओ और बताते हैं कि तुम अपने दोस्तों को कभी मत भूलना कि तुम्हारा दोस्त कौन है, और प्रोफेसर पैराडॉक्स सभी को ऑल द बेस्ट कहते हुए प्रोफेसर पैराडॉक्स टाइम ट्रैवल में लुप्त हो जाते हैं। लुप्त होते हुए देख के कर्नल जो कहते हैं तुम्हारे दोस्त बहुत अजीब है, और बेन इसी के जवाब में कहता है आ है तो, और इसी में कहता है दुनिया को बचाने के लिए कौन कौन जाएगा, और सभी लोग हाथ ऊपर उठाते हैं, और यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें एक गांव दिखाई देता है जो पहले एग्रीगर उस गांव में आया था, और उस गांव के आसपास सभी एग्रीगर के काम करने वाले लोग होते हैं यानी कि एग्रीगर की गुंडे लोग, सभी लोग उस गांव को पहरा दे रहे होते हैं, तभी गोइन उसे देखती है और बेन पीछे से कहता है क्या देखा दिया, और इसमें गोयन जवाब देती है सभी एलियंस का मेला लगा हो, और बेंटिन से उन लोगों को हमला करने के लिए स्वाम फायर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और गोयन कहती है क्या तुम इस तरीके से हमला करोगे, और इसमें बेन अल्टीमेट स्वाम फायर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और बेंटिनिसन सभी लोगों को एक एक करके अंदर घुस के सभी लोगों को मार देता है, और गोयन केविन और ग्रैंपा उन सभी लोगों को एक एक कर रहे मार रहे होते हैं, तभी बेन कहता है इस तरीके से हम एग्रीगोर को पता ही नहीं चलेगा कि हम यहाँ पर कब आए, और वो एक सीसी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा होता है, तभी वो एग्रीगर देख लेता है और कहता है मुझे और वक्त चाहिए, और एग्रीगर एक मशीन पर चढ़ जाता है और एक हेलमेट को पहनता है, और हमें दिखाई देती है वहाँ पर 5 एलियंस है और वो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, और हमें दिखाई देती कि एक बक्से से वो सारे एलियंस बाहर आते हैं और बेंटेंस के आगे आ जाते हैं, और बेंटेनिसन कहता है दोस्त हम तुम्हारे लिए मदद करने के लिए आए हैं, और यहाँ पर लग रहा है कि बेंटेनिसन बहुत ज्यादा खुशी है, और लगता है कि 5 एलियंस बेंटेन के आगे आ रहे होते हैं, और यहाँ से लग रहा है कि वो 5 एलियंस बेंटेनिसन को दुश्मन समझ रहे हैं, और वो 5 एलियंस में एक एलियंस बेंटेन को हमला भी कर देता है, और बेंटेनिसन की टीम और उस 5 एलियंस के बीच में फाइट हो जाता है, और इसी में सभी लोग फाइट हो रहे होते हैं, तभी बेन एक चीज पता कर लेता है और उसकी हेडबैंड जो सभी एलियंस की ऊपर लगा होता है, और कहता है ये हेडबैंड को मैं पहचानता हूँ, ये दिमाग को कंट्रोल करने के लिए है, ग्रैंपा मैक्स कहते हैं वो हेडबैंड सभी को उतार दो, और एक एलियंस की हेडबैंड उतारते हैं, पर वो उतारते ही वो वहाँ से गायब हो जाता है, और बेंटिनिसन उसकी टीम मिलके सभी को हेडबैंड उतार लिए, पर उतारने के बाद वो सारे एलियंस फिर से गायब हो जाते हैं, और यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें एक गाँव दिखाई देते है, गाँव के एक घर के अंदर हमें फिर से वो 5 एलियंस एक बक्से में कैद हुआ दिखाई देती है, और वहाँ पर एग्रीगर भी होता है, और उस जगह पर बेंटेनिसन पहुंच जाता है और कहता है ओके एग्रीगर तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है, और इसके जवाब में एग्रीगर कहता है मैं इस 5 एलियंस को असमो से लेकर जाने वाला था पर लेकिन तुम लोगों ने मेरे रास्ते में रोक लिया, तो मैं अब वो 5 एलियंस की पावर एब्जॉर्ब करने के लायक बन जाऊंगा और मुझे रोकना नामुमकिन होगा, और इसमें गोइन कहती है तो हम अभी तुम्हें रोकेंगे, और इसमें मैना पावर यूज करके उसे एक मारती है, और बेंटेनिसन नैनोमैक में ट्रांसफॉर्म हुआ होता है तो बोलता है तुम हम सभी लोगों को हरा नहीं पाओगे, और एग्रीगर कहता है इसके लिए और पावर की जरूरत पड़ेगी, और इसीलिए वो मशीन पर हाथ रख लेता है और पावर एब्जॉर्ब करने वाला होता है, तभी केविन कहता है तुम ये सब नहीं कर सकते हो, तुम्हें पता है ये सब करने से तुम्हें क्या होगा, और एग्रीगर इसके जवाब में कहता है क्यों, क्योंकि मैं एक ऑस्मोसियन हूँ, ऑस्मोसियन पावर एब्जॉर्ब करने से अपनी कंट्रोल खो देते हैं, और इसी के जवाब में केविन कहता है हाँ मेरे साथ ये सब पहले भी हुआ है और मैं तुम्हें बता रहा हूँ,
ये सब मत करो, तुम अपने पावर कंट्रोल खो दोगे पावर एब्जॉर्ब करने के बाद। इसके जवाब में एग्रीगर कहता है ये सब कुछ झूठे, ये कमजोर लोगों को बहकाने के लिए है। और केविन कहता है हाँ मेरे साथ ये पहले हुआ था, पर बोलते ही एग्रीगर गुस्से में आ जाता है और उसे एक पावर मारता है। केविन दूर जाके गिरता है और एग्रीगर कहता है वेस्ट करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास फुल पावर है, मैं अब एब्जॉर्ब करने वाला हूँ। कहते ही वो मशीन पर हाथ रख लेता है और वो पावर एब्जॉर्ब करने लगता है। देखते ही देखते पांच एलियंस की पावर नीचे से उससे आ रहा होता है। एग्रीगर को पावर मिल रहा होता है और वो स्ट्रांग बन रहा होता है और वो उस पांच एलियंस की पूरी पावर लेता है, जिसकी वजह से एक वहां पर धमाका हो जाता है और वहां पर जोर जोर से हवा चलने लगती है, जिसकी वजह से केविन भी एग्रीगर के आगे पहुंच नहीं पा रहा था। वो जैसे जैसे जाता वो पीछे पीछे धकेलता और इसी में बेन टेनिसन ह्यूमंगस सोर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो जल्दी से वहां से दौड़ के जाके एग्रीगर को उस पावर सोर्स से हटा लेता है। और उसके बाद वहां पर हवा चलनी धीमी हो जाती है और केविन कहता है पहले इसे पावर ऑफ कर देना चाहिए था। और इसी में ग्वेन बताती है कि गाइज वहां पर एलियंस गायब है, उस बक्से में कैद हुआ पांचों एलियंस गायब होते हैं और इस देख के सभी लोग चकित भी हो जाते हैं। और इसी में बेन की पीछे से एक आवाज आता है और कहता है इसीलिए क्योंकि मेरा प्लान कामयाब हो गया। और इसी में एग्रीगर उड़ जाता है और उसकी रूप रंग सब कुछ चेंज होता है। एग्रीगर की नई रूप को देख के वो सब लोग शॉक हो जाता है और एग्रीगर कहता है इसीलिए क्योंकि मैंने सभी पांचों एलियंस की पावर एब्जॉर्ब कर लिया और मैं बन गया अल्टीमेट एग्रीगर। तो हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने चाहने वाले के साथ शेयर कीजिए। और आप ऐसे वीडियो देखना चाहती हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलने के लिए। तो बस अभी के लिए इतना है, ये वीडियो यहीं तक था। तो नेक्स्ट वीडियो में अब इसकी पार्ट टू आने वाला है, इसके बाद क्या होने वाला है। अल्टीमेट एग्रीगर तो बन ही चुका है, तो बस नेक्स्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो में लाइक करो। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, हैव अ नाइस डे।